अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन थर्ड। तो थर्ड में कह रहा है कि अ रिंग ऑफ मास एम एंड पार्टिकल ऑफ सेम मास आर फिक्स ऑन द डिस्क ऑफ सेम मास सच दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम लाई एट द सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, तो एक रिंग है, इसका मास एम के बराबर है और इसके सेंटर पे एक मास है एम। रिंग ऑफ मास एम पार्टिकल ऑफ सेम मास फिक्स एट अ डिस्क ऑफ सेम मास। अच्छा, एक डिस्क की भी है जिसका मास एम के बराबर है, तो लगा कैसे होगा? एक डिस्क है, मान लो मेरा हाथ मोबाइल ही डिस्क है सपोज कर, ठीक है, और इसके पेरिफेरी पे तुमने क्या किया, एक रिंग लगा दिया जिसका मास एम, रबड़ का रिंग होगा, रिंग इस पे चढ़ा दिया, इसका मास एम होगा, और सेंटर पे भी मास है स्मॉल एम के बराबर, तो तीन मासेस हो गए, एक डिस्क का मास एम, एक सेंटर ऑफ मास एम, और एक रिंग है इसका मास एम। और ये इस तरीके से है कि पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पे है। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर पे है, वो लिखा हुआ देखो, सेंटर, सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम लाई एट द सेंटर ऑफ डिस्क। द सिस्टम रोटेट्स सच दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क मूव इन द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद द कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ये सिस्टम इस तरीके से मोशन कर रहा है कि जो डिस्क का सेंटर है, सेंटर वो ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस आर पे घूम रहा है, इसके अबाउट, मतलब पूरा पूरा ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो आर रेडियस पे ओमेगा से घूम रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस डेटा से कंक्लूड करिए ये पार्ट, एन एक्सटर्नल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर मस्ट बी अप्लाइड टू द सेंट्रल पार्टिकल। एक चीज और है, किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स बराबर होता है, किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये होता है। अब ठीक है, तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा? नेट फोर्स सिस्टम पे नेट फोर्स इक्वल टू लिखेंगे मास, टोटल मास सिस्टम पे नेट फोर्स होता है ना, टू एम इंटू ए सी एम, एम टोटल मास होगा, तो टोटल मास होता है ये टोटल मास होता है, तो इस पूरे सिस्टम का टोटल मास क्या है? 3m है, क्या लिखेंगे? 3m इंटू ए सी एम, ए सी एम क्या होगा? सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सिस्टम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, और पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो यहीं अप्लाई कर रहा है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं अप्लाई कर रहा है, यहीं अप्लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस घूम रहा है ना, पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आर रेडियस घूम रहा है। रुको, आर रेडियस पे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आर रेडियस घूम रहा है, आर रेडियस घूम रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे? आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ठीक है, इतने का तो फोर्स होना चाहिए टुवर्ड द सेंटर, इतने का फोर्स होना चाहिए टुवर्ड सेंटर, लेकिन ये फोर्स सेंटर पे ही काम करे ये जरूरी थोड़ी है भाई। ऐसा भी हो सकता है कि ये डिस्क है तुम्हारा, यहां बना दे रहा हूं, ये डिस्क है तुम्हारा, ये सेंटर है, ठीक है, तो एक यहां पे फोर्स काम कर रहा हो, एक एम आर ओमेगा स्क्वायर का, एक इस पेरिफेरी पे काम कर रहा हो ऐसे, और एक फोर्स इधर काम कर रहा हो, इधर काम कर रहा हूं, तो अब ये डायरेक्शन क्या है? ये अगर इसका सेंटर ऑफ मास है ये, तो अगर मैं ऐसे एक्स एक्सिस बना दूं, ऐसे वाई एक्सिस बना दूं, वाई एक्सिस बना दूं, तो एक्स के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लिखोगे? ये एफ वन है, ये एफ टू है, और ये बीच का एफ थ्री है, क्या लिखोगे? एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ थ्री वैक्टर, नेट फोर्स बन गया वैक्टर सम में, एंड बराबर सिस्टम पे टोटल मास एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये लिख भी सकते हो, एक्स में फोर्स आएगा, कैसे आएगा? इस एफ का ये कंपोनेंट इधर आएगा, इस एफ का इधर आएगा, ये तो एक्स में है ही है, और इसका जो वाई कंपोनेंट आएगा एफ वन का, इस एफ टू का जो वाई कंपोनेंट आएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे है, तो रिजल्टेंट बीच में ऐसे मिलेगा ना इस तरीके से, क्योंकि वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फोर्सेस होंगे, फोर्सेस इस पर कहीं भी काम करें, लेकिन उनका रिजल्टेंट एक्स के डायरेक्शन में, ये एक्स, ये वाला डायरेक्शन, एक्स के डायरेक्शन में इतना होना चाहिए, फोर्सेस कहीं भी काम करे एक्स के डायरेक्शन इतना होना चाहिए बस।
तो कह रहा है कि मस्ट बी ऑन द सेंट्रल पार्टिकल। मस्ट क्यों होगा भाई, मे होता, मे चल सकता है, हो सकता है, बट नहीं वहीं पर आई करेगा। ये तो गलत है ना, कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे तो तुम क्या कहोगे कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बराबर टोटल मास इनटू एसयू। गलत हो गया। बी पार्ट, एन एक्सटर्नल फोर्स इतना मस्ट बी अप्लाइड ऑन द रिंग। ये भी क्यों, एन एक्सटर्नल फोर्स इतना मस्ट बी अप्लाइड टू द सेंटर, मस्ट तो नहीं आना चाहिए। डी पार्ट, एन एक्सटर्नल फोर्स इतना मस्ट बी अप्लाइड एट एनी वेयर ऑन द सिस्टम। ये एकदम सही कह रहा है कि कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, नेट सम इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए एनी वेयर ऑन द सिस्टम, और वो टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए। तो अगर ठीक है, अगर इतने का फोर्स अगर तुम्हें यहां पर मिल गया तो ये भी टुवर्ड द सेंटर का, तो क्या फर्क पड़ता है, बट ये टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए। यहां पर रहे तो चाहे यहां पर रहे तो चाहे यहां पर रहे तो, अगर सिंगल फोर्स है तो, चाहे यहां पर रहे तो, कहीं पर भी हो बट वो टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए, नेसेसरी कि यहीं पर लेकर, और बहुत सारे फोर्सेस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बार बार एन लिख रहा है ना, एक लिख रहा है, बार बार एक लिख रहा है, एन एन एन, तो सिंगल फोर्स की बात कर रहा है। तो अगर सिंगल फोर्स की बात करें तो सिंगल फोर्स यहां पर हो तो, यहां पर हो तो, यहां पर हो तो, कहीं भी हो, बट वो टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए, तो ये काम चल जाएगा। ठीक है, और बताओ। सर 8th का ना, सर क्वेश्चन 15 सर, क्वेश्चन 6th का 15, ये भी पता है सर, क्वेश्चन 15, 2 मिनट रुको। नेशन ये जो है ना, ये ऐसे नहीं होगा, ये गड़बड़ जा रहा है। ये पता है क्या होगा, इक्वेशंस कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो तुम क्या कहोगे कि अगर इस तरीके से है, पर ध्यान सुनना क्या बता रहा हूँ, ये अगर ऐसे में दिखाऊं इस तरीके से, इसका सेंटर ऑफ मास है, ये है सेंटर इसका, ये सेंटर ऑफ मास है, इसको मिला दो, ये बेसिकली ना ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स के डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए, एक्स के डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए कितना, 3 m r ओमेगा² होना चाहिए। अब ये डायरेक्शन ये है ना, तो इतने का फोर्स, इतने का एक सिंगल फोर्स, चाहे यहां पे ऐसे हो, चाहे यहां पे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, बट कहीं पर भी होना चाहिए, बट इसके पैरल होना चाहिए एक्स में। ये नहीं कि ऐसे, अगर तुम ऐसे कर दोगे ना ऐसे, तब तो गड़बड़ नहीं कर जाएगा भाई, तुम इक्वेशन लिख रहे हो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन लिख रहे हो, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे होना चाहिए कोई ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में, ऐसे होना चाहिए। हाँ बस फर्क क्या होगा जानते हो, फर्क क्या होगा कि अगर ये डिस्क है, अगर उतने का फोर्स सेंटर पे काम कर रहा है, सेंटर पे काम कर रहा है, तो डिस्क अपने सेंटर पे नहीं घूमेगा, बस पूरा पूरा डिस्क ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। और अगर इतने का फोर्स मान लो इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है उतने का फोर्स, तो दो काम करेगा, ऐसे घूमते हुए ऐसे भागेगा, ऐसे मतलब अपने एक्सिस पे भी घूमेगा और इधर भी भागेगा, इधर इसलिए भागेगा क्योंकि इसके अबाउट मोशन हो रहा है, इसके अबाउट इस सेंटर अबाउट घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे घूमेगा। और अगर ये ऐसे काम करता है ऐसे, तो उल्टा से घूमता, ऐसे घूमते ऐसे भागता, तब ऐसे घूमते हुए भागता। तो कहीं पर भी हो, मतलब डी पार्ट तो सही आंसर है कि एक फोर्स होना चाहिए जो कि डिस्क पे कहीं पर भी हो, बट वो एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक रॉड है जिसका मास एम और लेंथ एल है, ठीक है, लोअर एंड ओरिजिन पे है, डिस्टर्ब एट इक्वल जीरो कॉज द लोअर एंड स्लिप पॉजिटिव एक्स एक्सिस द एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एबीडी बना दो। तो जब रॉड की एबीडी बनाओगे, रॉड की एबीडी, तो तुम एन ऊपर दिखाते हो, एम जी तुम नीचे दिखाते हो, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, तो लिखते हो ऐसे ना, एन माइनस एम जी बराबर एम ए लिखते हो, लेकिन पता है ये स्केलर जैसा लिखते हो, इन्होंने वेक्टर लगा रखी है, तो वेक्टर वेक्टर वेक्टर, तो जब वेक्टर लगाओगे ना, तो ये पूरा एन पे जब वेक्टर लगाओ तो एन वेक्टर ऐसे ही बनेगा, और एम जी को तुम ऐसे लिखोगे, एम इंटू जी वेक्टर ही लिखोगे, ये जी वेक्टर अपने आप ही इस माइनस साइन को एसोसिएट कर देगा, जी वेक्टर अपने आप ही इस माइनस साइन को, वेक्टर लगा है ना, एन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बन गया। मतलब ये जो आ रहा है ना जी वेक्टर, बेसिकली बराबर किससे होगा, माइनस जी इंटू नीचे की ओर डायरेक्शन, अगर जे कैप है तो माइनस जी जे कैप लिखोगे, ये लिख रहा हूं मैं इसके जगह पे एम ए, तो ए क्या आएगा, एन प्लस एम जी अपान एम, तो एन एन ए ही है, एन ही आर रिएक्शन, आर इज रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस, यही आर है बेसिकली, तो आर प्लस एम जी अपान एम,
दूसरी बात एक और बता रहा हूँ, मान लो ये सरफेस इन्होंने लिखा, फ्रिक्शनलेस लिखा है, फ्रिक्शनलेस लिखा है, स्मूथ सरफेस लिखा देखो, बट अगर वहीं भी लिखता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आर में सब आता है, एन आर फ्रिक्शन दोनों आ जाता, रिएक्शन फोर्स है दोनों आ जाता, तो फिर नेट फोर्स रिएक्शन प्लस एम जी बराबर मास इंटू ए, फिर ये यही आ जाता, तो आंसर ये हो जाता। बात समझ आई? फिर ये मूव मतलब करेगा तो मतलब थोड़ा साइड नहीं होगा जैसे, तो उसमें कहा है ना स्लाइड नहीं कुछ भी हो, स्लाइड लोअर में एन। जाए जो करे, मुझे इससे थोड़ा मतलब है। फोर्स इक्वेशन में क्या होता है? फोर्स इक्वेशन में नेट फोर्स और एम होता है, स्लाइड से क्या मतलब? अगर इस रॉड की तुम वीडियो बनाते ठीक हो, चाहे ऐसे स्लाइडिंग कर दे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे आ जाए, रिएक्शन फोर्स ऐसे बनेगा और एम जी ऐसे बनेगा, तो क्या लिखोगे? आर वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर बराबर एम ए, है बस हो गया, कहीं भी स्लाइड पे चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? सिंपल सी बात है, जब मुझे एक्सेलरेशन निकालने में फोर्स चाहिए, नेट फोर्स और एम होता है वो किसी भी एंगल पे हो, बोलो। यस सर यस। नेक्स्ट सर, एट सर 15 बता रहा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टू मैन ए एंड बी, अच्छा ये ना पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने करवाया क्वेश्चन को, ए एंड बी आर स्टैंडिंग ऑन द प्लैंक, बी इज द मिडिल ऑफ द प्लैंक, देखना प्लैंक एंड ए इज द लेफ्ट ऑफ द एंड ऑफ द प्लैंक, बॉटम सरफेस ऑफ फ्रिक्शन सिस्टम रिलीज एट रेस्ट मासेस जोन ए बी स्टार्ट मूविंग सच दैट द पोजीशन ऑफ बी रिमेन फिक्स्ड, बी का पोजीशन रिमेन फिक्स्ड रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एंड ए मीट बी देन पॉइंट वेयर ए बी मीट लोकेटेड एट, देखो बी को अपने पोजीशन पे फिक्स रहना है, ठीक है, तो तुम ग्राउंड पे खड़े हो, मान लो तुम ग्राउंड पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, और ये प्लैंक है और ये बी है, अब तुमको यहाँ से दिख रहा है कि ये वाई एक्सिस फिक्स्ड है, अब बी यहीं पे मान लो यहीं पे, अब बी का मास क्या 60 kg है, अब तुम इस एंड पे खड़े हो 40 kg का, ये कितने का 40 kg का है, ये दूरी कितने की है 60 की है। अब देखो जब ये पर्सन जब जाएगा तो ये इधर आएगा ना, जब जब ये इधर जाएगा तो इधर आएगा, इधर जाएगा तो ये प्लैंक पीछे आएगा, बट ये तो पर्सन भाग नहीं रहा है, ग्राउंड फ्रेम तो नहीं भाग रहा है, एटलीस्ट ग्राउंड फ्रेम तो भाग नहीं रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, ये अगर प्लैंक मान लो इधर x1 दूरी तय करता है, x1 दूरी तय करता है, ग्राउंड फ्रेम में इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, इधर ये 60 सेंटीमीटर है ना, 60 है यहाँ से इसकी, इसके बीच 60 है, ये x1 भाग गया तो इसको आगे कितना जाना पड़ेगा, 60 माइनस x1 अगर चल जाए इसको पकड़ नहीं लेगा भाई, टोटल भी 60 थी, प्लैंक x1 चल, अगर ये पर्सन पर्सन ए को अगर उसको पकड़ना है तो अगर उधर 60 गया होगा, इसके ऊपर 60 गया होगा ना, एक चीज बताओ अगर ये x1 चल गया, अब पर्सन 60 माइनस x1 ग्राउंड फ्रेम में गया, नहीं ये गलत है, 60 जाएगा, 60 ग्राउंड फ्रेम, इसको 60 चलना पड़ेगा, देखो 60 जाना पड़ेगा, श्योर हो भाई? पर्सन भी भाग ही नहीं रहा, ये पर्सन भी भाग ही नहीं रहा, पर्सन है यहाँ पे, अब 20 दूरी 60 है, और कह रहा है कि पर्सन भी ग्राउंड फ्रेम में नहीं भागेगा, तो ग्राउंड फ्रेम में इस पर्सन ए को कितना चलना पड़ेगा, 60 चलना पड़ेगा, तभी तो पकड़ पाएगा इसको, भाई मेरा हाथ रुका हुआ है, तुम यहाँ खड़े हो और दोनों के बीच दूरी 60 है, कोई कहे कि तुम्हें कितना चलना हो ताकि तुम इसको पकड़ लो, 60 चलोगे, तो इस आदमी को लगेगा, ग्राउंड वाले को लगेगा कि तुम्हें 60 जाना पड़ेगा, लेकिन जब तुम इधर जाओगे तो प्लैंक इधर भागेगा x1, अब मास मोमेंट का कंजर्वेशन लगाते हो, ये तो 60 वाला भाग नहीं रहा, तो क्या लिखोगे, 60 × 0 ग्राउंड फ्रेम में प्लस 40 × 60 ग्राउंड फ्रेम में, और इसका 60 × x1 माइनस साइन इक्वल टू 0, इससे x1 क्या, नहीं मास 40 kg है ना इसका, देखो इस प्लैंक का मास 40 kg, तो 40 × x1 उल्टा साइन माइनस, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज 60 सेंटीमीटर, 60 का मतलब कि ये प्लैंक 60 सेंटीमीटर इधर भाग गया, क्यों यार, ये
ये तो भाग नहीं रहा ग्राउंड फ्रेम में, 60 है तो इसको कितना रन उड़ेगा, 60 रन उड़ेगा ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है 40 इंटू 60, ये ग्राउंड फ्रेम भाग नहीं रहा तो 0, ये 40 और एक्स वन भाग गया ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है तो एक्स वन प्लस 60 आ गया, ओके प्लस 60 आ गया एक्स वन, इसका मतलब जो प्लैंक है वो 60 इधर चला गया, और ये पर्सन बी ग्राउंड फ्रेम में वहीं पे है, ग्राउंड फ्रेम में वहीं पे है ना पर्सन बी, तो ये पूरा पूरा प्लेट 120 का है और ग्राउंड फ्रेम यहीं पे है, तो जब ये 60 इधर जाएगा इसका मतलब ये पर्सन पता है कहाँ दिखेगा, इस एंड पे दिखेगा, देखो भाई ये है, देखो ये दिख रहा था मैं बार कर, तो ये पर्सन भी यहाँ पे है और ये 60 सेंटीमीटर दूरी है, ये भी 60 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 60 सेंटीमीटर है, ऐसे तो जब प्लैंक ऐसे भागेगा 60 तो किनारे आ जाएगा ना आदमी, क्योंकि आदमी नहीं भाग रहा है, देखो प्लैंक प्लैंक भाग रहा है, प्लैंक भाग रहा है, किनारे आ गया ना इस एंड पे सब आ गया, मतलब ये पर्सन यहाँ दिखेगा और ये इसे मिल चुका है तो ये भी यहाँ दिखेगा, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, राइट एंड ऑफ द प्लैंक मिलेंगे, राइट एंड पे मिलेंगे, क्योंकि ये तो भागा नहीं, समझ गए होगे तुम, और ये इधर कितना भाग गया, ये इधर 60 भाग गया प्लैंक, और ठीक है अब तुम कंफ्यूज मत होना, ये जो पर्सन है ना इस इंक्लाइन के फ्रेम में 120 भागा हुआ, कैसे भाई, अगर ये पर्सन ग्राउंड फ्रेम में 120 नहीं भागता, सुनो अगर ये पर्सन ग्राउंड फ्रेम में 120 नहीं भागता, अगर 120 भागता तभी तो ये प्लैंक जब 60 इधर भागेगा तो ग्राउंड फ्रेम में ये 60 आ जाता नजर आएगा, इस प्लैंक है प्लैंक पे जो पर्सन है जब 120 आगे जाएगा, अब प्लैंक जब 60 जाएगा तो ग्राउंड फ्लोर में कितना भागेगा, 60 नहीं भागेगा तो 60 दिख तो रहा है, कुछ समझ में आया क्या कहा, हेलो यस नहीं यार, तो एक और तरीके से बताता हूँ, चलो इसका मास है 60 kg और इसका मास है 40 kg और इसका मास है 40 kg, दूरी कितनी है इनकी, इसकी इसकी भी दूरी 60 है, 120 है, तो अब मैंने मान लिया कि मान लो ये इधर X1 मूव किया और ये इधर X2 मूव किया, इंक्लाइन के फ्रेम में माना, इंक्लाइन फ्रेम में X1 गया तो ये X2 गया, मतलब इंक्लाइन पे X1 इधर X2 मिल गए, गुड मिल गए, तो मिल गए तो क्या लिखोगे, X1 प्लस X2 बराबर 60, भाई दोनों के बीच की दूरी 60 थी ना इंक्लाइन के ऊपर, तो इंक्लाइन के फ्रेम में दोनों के बीच में 60 थी, तो इधर एक्स1 भाग इधर एक्स2 भाग इधर एक्स1, दोनों मिलाकर 60 होना चाहिए ना, लिख दे पहला इक्वेशन, अब लगाएंगे मास मोमेंट का दर्शन, जब ये इधर जाएगा तो ये प्लैंक भी इधर भागेगा ना, उल्टा भागेगा, ये मान लो एक्स भागा, गुड, तो मास मोमेंट का दर्शन प्लैंक पे लगाओगे तो कितना आएगा, -40 इंटू एक्स प्लस इस पर्सन पे क्या लिखोगे, पर्सन पे ये जो पर्सन है 40 इंटू X1 इंक्लाइन के फ्रेम में है ना और x इधर भाग गया तो ग्राउंड फ्रेम वो कितना आगे भागता नजर आएगा, X1 माइनस x, अब इस पर्सन की बात करेंगे 60 kg वाले का, बोलेंगे -60 इंटू पर्सन x2 इधर भाग गया, पर्सन इधर x2 भाग गया, अब प्लैंक x और भाग गया तो ग्राउंड फ्रेम वो कितना भागता नजर आएगा, x2 प्लस x, लिखोगे x2 प्लस x इज इक्वल टू 0, इससे क्या आएगा, तो ये -40x और यहाँ से आएगा 40 माइनस x, ये प्लस एक्स था -60x, तो कितना आएगा 40 से 40 80, 80 और 60 कितना होता है 80 60 140 एक्स बनेगा, और यहाँ से +40x1 आएगा और -60x2 आएगा, अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्स को इधर भेज दो इससे बनेगा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ना, तो बनेगा 2x1 -3x2 बराबर 7x, अभी तो x1 x2 निकालना पड़ेगा, अच्छा ग्राउंड फ्रेम में ये पर्सन नहीं भागा है, ग्राउंड फ्रेम में ये पर्सन भागा नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ग्राउंड फ्रेम में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इधर x2 भागा है और इंक्लाइन x भागा है, तो ग्राउंड फ्रेम में ये कितना भागा होगा, x2 प्लस x ना, तो x2 प्लस x क्या आना चाहिए था, x2 प्लस x 0 होना चाहिए, भाई ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाले का x2 प्लस x हुआ, क्योंकि x में तो इंक्लाइन के फ्रेम में है, x इधर भागा तो ग्राउंड फ्रेम उसका डिस्प्लेसमेंट x2 प्लस x 0 कर दिया, अब इनको सॉल्व करना है, मैंने क्या किया, गुड
एक्स टू को उठा के तुम यहां पर रख दो, माइनस एक्स यहां पर रख दो, तो क्या बनेगा? एक्स वन माइनस एक्स बराबर 60, यहां पर रखा एक्स क्यूब पे माइनस एक्स, और यहां पे एक्स क्यूब पे माइनस एक्स रख दो माइनस एक्स, तो बनेगा प्लस 3x। देखो यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे माइनस था ना, माइनस था, यहां की बात कर रहा हूं, देखते रहना। यहां पे एक्स क्यूब पे माइनस एक्स रख दो तो प्लस 3x बनेगा, इधर भेज दो तो 4x हो जाएगा, मतलब 2x और 4x, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2x। अब क्या करो, एक्स को यहां पर रख दो तो 2x माइनस एक्स बराबर 60, तो एक्स क्या आ गया? 60। इसका मतलब ये प्लैंक इधर कितना भागा हुआ? प्लैंक इधर 60 भागा हुआ, ठीक है। अगर ये प्लैंक इधर 60 भागा है, अच्छा तो ये पर्सन कितना भागेगा? देखो तो एक्स टू कितना, एक्स टू कितना है बताओ तो? एक्स टू आएगा माइनस एक्स ना, देखो एक्स टू आएगा माइनस एक्स यहां से, और एक्स आया कितना? 60, तो कितना आ गया? माइनस 60, एक्स टू माइनस 60 है। तो ये जो पर्सन है, बीच वाला पर्सन, एक्स टू इधर भागा है ना, लेकिन माइनस इन बता रहा है कि उसको इधर भाग रहा है। अब कितना इधर भागना? 60। एक्स टू इंक्लाइन के फ्रेम में है, तो अगर एक इंक्लाइन है और तुम इस पे और इंक्लाइन के फ्रेम में तुम्हें 60 इधर भाग रहा है, तो आ जाओगे यहाँ पे ना, आगे इस किनारे, तो इसी किनारे मिलोगे। और एक्स वन देखो 120 आएगा, पुट करके देखो एक्स वन 120 आएगा, माइनस 60 है ना एक्स टू, तो एक्स टू माइनस 60 है, उठा के यहाँ पे कहाँ प्लेस कर दो यार, कहाँ प्लेस करें? यहाँ प्लेस करो, एक्स टू को माइनस 60 तुम यहाँ प्लेस कर दो यहाँ पे, तो माइनस 60 इधर आएगा, तो प्लस 60 120 आ गया, तो ये 120 आ गया, मतलब ये इधर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो दोनों पर्सन इस किनारे मिले। कुछ समझ में आया क्या बताया मैंने? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इसका मास 4m है, तुम क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं पढ़ा हुआ हूँ। इसका मास 4m है और अंदर में एक स्फीयर है, इसका मास m है रेडियस r का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन द स्मॉलर स्फीयर रीचेस द एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम अदर एक्सट्रीम पोजिशन, अदर मतलब ये स्फीयर यहाँ पे अगर आ जाता है तो बताइए इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर मास मोमेंट कंजर्वेशन लगाएंगे। देखना, इसका सेंटर जब यहां पर आएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, देखना इसका, इसको डायग्राम को मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, सुनते रहना। इसका जो सेंटर है, इस वाले का सेंटर, ये पहले यहाँ पे था, अब बाद में जब ये स्फीयर यहाँ से घूम के, जब ये स्फीयर यहाँ से घूम के यहाँ पर आएगा ऐसे, तो ऐसे बन जाएगा स्फीयर, उसका सेंटर इधर कहीं दिखेगा, यहाँ कहीं दिखेगा, तो उसका सेंटर कहीं इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो तो ये 6r के बराबर है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी? 12r होगी ना, ये 6r, ये 6r, 12r होगी, तो 12r हो गई, और इसका रेडियस r है, छोटे वाले का रेडियस क्या है? r है, तो ये भी r होगा इधर से, ये भी r होगा, तो ये दूरी कितनी हो गई? 10r हो गई ना, 10r, ये दूरी 10r हो गई, 10r हो गई, समझ रहे हो क्यों? टोटल 12r है, इधर भी r, इधर भी r, तो बीच में 10r। इसका मतलब ये छोटा वाला स्फीयर का जो सेंटर है वो 10r दूरी इधर भागा है, इधर भागा है, तो ये बड़े वाले का सेंटर मान लो x दूरी इधर भागा, ये वाला सेंटर जो है x दूरी इधर भागा, तो मास मोमेंट कंजर्वेशन लगाएंगे पूरे सिस्टम पे, तो क्या लिखोगे? 4m इंटू एक्स बड़े वाले पे, और माइनस m इंटू अभी स्फीयर पे माइनस m इंटू, लेकिन 10r तो इधर भागा है, लेकिन किसके फ्रेम में भागा है? बड़े वाले के फ्रेम में भागा है, तो ग्राउंड फ्रेम में वो कितना इधर भागेगा? 10r में से x घटाएंगे ना, क्योंकि बड़ा वाला जो है वो x इधर भाग रहा है और ये वाला 10r इधर है, तो ग्राउंड फ्रेम में ये स्फीयर कितना इधर भागेगा? इधर, तो 10r माइनस x भागेगा, इधर है तो माइनस, तो लिखेंगे 10r माइनस x बराबर 0, सिंप्लीफाई कर दो, तो x कितना आएगा? यहाँ से m से m कट जाएगा, ये बनेगा 10r डिवाइड बाई, यहाँ से क्या आएगा? x, यहाँ से आएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना, नहीं ये 5 है, और एक यहां से बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 2r, तो 2r बन गया। तो ये 2r डिस्टेंस तो आगे भागा है ना, तू मुझे बताओ, पहले से कोऑर्डिनेट l है, पहले से सेंटर कोऑर्डिनेट l है, और 2r और आगे भाग गया, तो उसका नया कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? l प्लस 2r नया कोऑर्डिनेट बन जाएगा, क्योंकि पहले l पे था और 2r और भाग गया, तो उसका नया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? l प्लस 2r हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, तो ये आंसर मैच करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि आई स्टेशनरी बॉडी मिनिमम इनटू फोर आइडेंटिकल फ्रेगमेंट्स सो दैट द
three of them fly off mutually perpendicular to each other, each with the category E naught, the minimum category of explosion is. तो देखो वो पहले रेस्ट में था, रेस्ट में था, तो जब भी कोई एक्सप्लोड होता है ना, तो जो मिनिमम एनर्जी होगी वो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसी के बराबर आएगी, क्योंकि हीट लॉसेस नेगलेक्ट कर दिया जाता है मिनिमम एनर्जी के टाइम पे। तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, कितने आइडेंटिकल, फोर आइडेंटिकल फ्रैगमेंट पार्ट में फ्लाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक एक्स में एक वाई में और एक इधर भाग रहा है जेड में, एनर्जी क्या है ई नॉट के बराबर है, मतलब एक की एनर्जी हाफ एम वी नॉट इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया ई नॉट मान लिया, ठीक है। तो लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, मान लो चौथे वाली वेलोसिटी वी वेक्टर है, तो आप क्या लिखेंगे, एम इंटू वी वेक्टर प्लस एक का क्या लिखोगे, एम इंटू वी नॉट आई कैप, एक का क्या लिखोगे, एम इंटू वी नॉट जे कैप, एक का क्या लिखोगे, एम इंटू वी नॉट के कैप। मोमेंटम कंजर्वेशन जीरो कर दिया क्योंकि इनिशियली रेस्ट में थे, इससे वी वेक्टर क्या निकल गया, वी वेक्टर निकल गया माइनस वी नॉट ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ गया। तो अब कह रहा कि टोटल कैंडिडेट कितनी होगी, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी टोटल वो किसके बराबर होगी, सारे पार्टिकल की एनर्जी जोड़ दें, एक पार्टिकल क्या था हाफ एम वी नॉट स्क्वायर का था एनर्जी, एक्स वाले का, वाई वाला का भी इतना, जेड वाला का भी इतना ही, तो थ्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक और पार्टिकल है चौथा वाला जो इस वेलोसिटी को गेन किया हुआ है, तो क्या लिखोगे, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये जो वी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वी नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड आएगा रूट थ्री, तुम लिखोगे वी नॉट रूट थ्री का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से थ्री बाई टू बनेगा, यहाँ से भी थ्री बाई टू, तो कितना बनेगा, सिक्स वन बाई टू एम वी नॉट के स्क्वायर इंटू सिक्स बनेगा, और ये जो वैल्यू है यही तो तुमने प्रूफ किया ई नॉट है, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे सिक्स ई नॉट, तो आंसर इज सिक्स ई नॉट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पार्टिकल रेस्ट में था तो मैंने उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, उसके बाद जो अननोन पार्टिकल था चौथा, तीसरा वाला, तीसरा नहीं चौथा वाला, उसका मैंने वेलोसिटी निकाल ली, फिर फाइनल एनर्जी निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबकी कैनर्जी जोड़ दी, अब मिनिमम जो एनर्जी होगी वो टोटल कैनर्जी के सम के ही बराबर आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सप्लोजन की एनर्जी मैंने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर एक्सप्लोजन कंसिडर करते तो बहुत कम मास में एक ह्यूज अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती अकॉर्डिंग टू ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो मिनिमम एनर्जी कब बोलोगे, जब एक्सप्लोजन में हीट डेवलप ही ना हुआ हो, ताकि वो एनर्जी में काउंट ना करो, इसी से कम चल रहा, ठीक है। और बताओ नेक्स्ट लोअर स्टेप width of each step is compared to the edge, assuming the impact is after each bounce the ball rebound to the height edge